सम्मानित साथियों, आज हम पूरे टीम के साथ जिला छतरपुर के गड़ा गांव में आ चुके हैं और 11 फरवरी को हमारी बहन की शादी थी। उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? कल्लू अहरवार जी। कल्लू अहरवार है और उनके चाचा राम रतन अहरवार जो जनपद सदस्य है वर्तमान में, इनकी आंखों के सामने धीरज शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग इसी जगह पे आता है और हमारी बेटी के सामने, बेटी की शादी चल रही थी उसके सामने आके हथियार लहराकर इनमें थप्पड़ मारता है और गोली चलाता है। कहता है कि आपने हमारे बालकसोर धाम में शादी नहीं करी है, इसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए आज हम पहले हमने 20 तारीख को डीजीपी महोदय भोपाल को ज्ञापन दिया है, 21 को दिया है और बाकी बात डीजीपी ने बोला था कि 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे। आज 4 दिन होने पे है और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसलिए मजबूरन हमें इस गड़ा गांव में आना पड़ा और हमारे साथ पीड़ित परिवार के मुखिया, बेटी के पिता, बेटी के चाचा, इनकी मांग है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हैं? बोलो अपना नाम क्या है? कल्लू है। कल्लू अहरवार, तुमको इसमें दोष दे रहे हैं? को तो दोष दे रहे हैं। ये लोग कहना है कि वो दोष दे रहे हैं कि यदि आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो आने वाले समय में बुरा होगा। इसलिए आज ये गांव के लोग डरे हुए हैं। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक छतरपुर से कहना चाहता हूँ कि जो FIR थाने में हुई है उसकी कॉपी तत्काल इनको दी जाए और नहीं दी गई तो आने वाले समय में छतरपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। FIR दर्ज नहीं की है। मैं पुलिस प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, इस चेहरे को पहचान ले। लाखन सिंह बहुत तुमसे कहता है, तू जानता है मुझे, जो मैं कहता हूँ वह पत्थर की लकीर है। यदि गड़ा गांव में आज शाम तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो नरोत्तम मिश्रा का बंगला घेरेंगे। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश नहीं, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश और देश में कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र जो तुम सपना देख रहे हो चूर चूर कर देंगे और धीरज शास्त्री के खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की जय, संविधान इस भारत का अभी जिंदा है, लागू है। संविधान धर्म निरपेक्ष राज है और इसमें कोई भी धर्म का राष्ट्र नहीं है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान का अधिकार है। हमको भी ठेस पहुंची है, हम हिंदू नहीं है, हम बाबा जी मानने वाले हैं और हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम बौद्ध हैं। इसलिए ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसलिए धीरज शास्त्री ने बार बार अपनी मंचों से बोलता है कि हिंदू राष्ट्र की जय, इसके खिलाफ धारा 353 खा और का के तहत FIR दर्ज की जाए, अंत आंदोलन होगा। जय भीम, नमस्कार। जय भीम।